नमस्ते, मैं हूं रविराज फ्रॉम राजकोट गुजरात और मैं आपका स्वागत करता हूं रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। मेरे पीछे आप ये जो कार देख रहे हैं ये एक न्यू कार है जिसे हम लोगों ने अक्टूबर में परचेज किया। ये हुंडई क्रेटा का डीजल बेस वेरिएंट है और इसमें एक्सेसरीज लगवाने हम लोग स्पेशली दिल्ली गए थे। अब एक्सेसरीज लगवाने के बाद जब मैंने ब्लॉग डाला था तो उस पर बहुत सारी क्वेरीज आई कि जवाब देते देते जो है ना मैं थक गया, तो मैंने सोचा कि एक ब्लॉग रिकॉर्ड करके मैं आपको समझा देता हूँ कि ये कार मैंने क्यों ली, एक्सेसरीज क्यों लगवाई, वारंटी का क्या होगा और कौन सी एक्सेसरीज क्या काम करती है और उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग इस ब्लॉग में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। तो हाँ जी, इतने सारे क्वेश्चंस थे कि मैंने एक पेपर पे सब नोट कर लिया है और शुरू से मैं समझाता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, आपने क्रेटा ही क्यों ली? अब क्या है कि मैं 2007 से कार चला रहा हूँ। ऑल्टो से स्टार्ट किया था, फिर i20 लिया था, फिर अर्टिगा और फिर उसके बाद लगातार ये तीसरी क्रेटा हमने ली है। मेरी जो रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत क्लियर हैं और क्रेटा उसमें एकदम फिट बैठती है। मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या है ये समझिएगा। मेनली मैं जो कार लेता हूँ वो रोड ट्रिप्स पर ज़्यादा चलती है। मेरी एवरेज रनिंग 25,000 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें से करीब आप समझ सकते हैं 15 से 17,000 हाईवे पे मुझे चलना होता है। तो मुझे एक बेसिक ऐसी कार चाहिए जिसका इंजन जो हो 1500 सीसी का हो या उससे कम हो, डीजल हो, माइलेज 20 से ज़्यादा आए, कंफर्टेबल कार हो, ग्राउंड क्लियरेंस हाई हो और साथ में उसमें रियर साइड में फ्लैट बेड बनता हो जिसमें हम लोग सो सके जरूरत पड़ने पे। अब क्या है कि बजट भी एक कांस्टेंट है कि भाई इतना अगर इंडिया मुझे घूमना है 25,000 किलोमीटर पर ईयर, 4 साल में 1,00,000 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल जाती है, तो मुझे इस बात का पूरा ख्याल रखना रहता है कि भाई इसमें जो कॉस्ट लगे वो कम से कम हो, कार में भी, कार के मेंटेनेंस में भी और रनिंग में भी। तो नो डाउट डीजल इसलिए मैंने लिया क्योंकि इसका रनिंग कॉस्ट पेट्रोल से कम पड़ता है अगर आपकी रनिंग 18,000-20,000 किलोमीटर से ज्यादा है पर ईयर। अदरवाइज बेस्ट होगा कि आप पेट्रोल ही ले अगर आपकी रनिंग कम है। क्यों? क्योंकि डीजल कार्स जो होती हैं उनका इनिशियल कॉस्ट करीब 1.5 से 2 लाख ज्यादा होता है पेट्रोल वाले की वजह से। इसलिए नहीं कि उसमें कुछ फीचर ज्यादा होते हैं, बस इसलिए क्योंकि वो इंजन जो होता है वो महंगा होता है। डीजल इंजन पेट्रोल इंजन से महंगा होता है, बेसिक सी बात है। तो ये सारी क्राइटेरिया में 15 लाख के नीचे में बस एक क्रेटा ही फिट बैठती है जिसमें फ्लैट बेड भी बनता हो, डीजल भी हो। अच्छा, आप कहेंगे कि भाई डीजल में तो आपकी और भी गाड़ियां आती हैं, जैसे XUV भी आती है 300 वगैरह, या बड़ी गाड़ी ले लेते, सफारी ले लेते, या और भी आती है तुम्हारी XUV 700 वगैरह है। तो मेरे को बताइए, हैरियर भी है और टाटा का भी सफारी है, स्कॉर्पियो है, वो सब इंजन जो है ना सब 2000 सीसी के ऊपर है और उनका किसी का भी माइलेज 16 से ज्यादा नहीं आएगा हाईवे पे, मैक्सिमम 17 पे। इस गाड़ी का, क्रेटा का माइलेज हाईवेज पे एटलीस्ट 20 से ऊपर ही आएगा। आप रफ ड्राइविंग करेंगे तब भी, और अगर आपने 80 के नीचे नीचे चलाया ना तो ये आपको खुश कर देगी। 25 का एवरेज देती है, 24 से 25 का मैंने पर्सनली देखा है इसको। वो तो क्या है कि हम लोग एक्सप्रेसवे पे 100 के ऊपर लगातार चलते हैं तब जाके माइलेज 21 से 22 के बीच आता है। तो रनिंग कॉस्ट इस गाड़ी का बहुत कम है। अब क्या है कि छोटी गाड़ी नहीं ले सकते थे, मतलब ब्रिजा टाइप वाली या 4 मीटर से कम वाली, क्योंकि उसमें पीछे फ्लैट बेड नहीं बनता। हैरियर में फ्लैट बेड बनता है, सेफ भी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि भाई वो गाड़ी इतनी बड़ी है कि उसको सिटी में लेके चलना मुश्किल है, प्लस वही 2000 सीसी से बड़ा वाला इंजन, कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ता है 18-20 लाख। मेरी बजट जो है ना, मेरा बजट क्लियर था कि मुझे 15 लाख के नीचे ही रहना है। तो इन सारी बातों में क्रेटा फिट बैठती थी। अब इसी में आप ये कह सकते हैं कि भाई जब क्रेटा ली ही तो एक बार किया में चले जाते। बिल्कुल बात सही है, मैं गया भी था किया में, क्योंकि किया सेल्टोस और क्रेटा बेसिकली सेम कार है, अगर आपको जानकारी हो तो। सेम चेचिस पे बनी हुई है, सिस्टर कंपनीज है। बट किया सेल्टोस में ना अभी क्या हुआ है ना कि 2022 में उन्होंने मैनुअल में IMT डाल दिया है। IMT का मतलब शायद इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन है। उस गाड़ी में क्लच हटा दिया है तो गाड़ी मैनुअल, गियर है उसमें बट क्लच नहीं है। अब क्लच नहीं है तो गियर आपको ऐसे ही चेंज करना है बिना क्लच के। वैसे केस में अब उसका क्लच का क्या होगा, वो क्लच कितना चलेगा नहीं चलेगा, ये मुझे आइडिया नहीं था।
प्लस फिर वो हैबिट चेंज करने वाली बात हो जाती है। और दूसरा क्या है कि मैं हार्डकोर ड्राइवर हूँ, ऑटोमेटिक गाड़ियां जो है ना वो मुझे पसंद नहीं आती हैं जिसमें है आप सिर्फ एक्सलेटर दबाइए। वो तब है जब सिटी ट्रैफिक में आपको ज्यादा चलना हो। मतलब मैं गाड़ी को पूरे अपने कंट्रोल में रख के चलाना पसंद करता हूँ। मैं अपनी मर्जी से गियर चेंज करना चाहता हूँ, क्लच एक्सलेटर ब्रेक सब मेरे हाथ में होना चाहिए, तब मुझे ड्राइविंग में मजा आता है। तो अगर आप मेरी भावनाओं को समझ रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि ऑटोमेटिक सही है, IMT भी सही है, लेकिन उनके लिए जो सिटी में ज्यादा चलते हैं। मुझे हाईवे पे चलना होता है, मैं चाहता हूँ कि अगर मैं फोर्थ गियर चाहता हूँ तो गाड़ी फोर्थ गियर मेरे हिसाब से चले, फिफ्थ गियर में मेरे हिसाब से चले। तो यही सब बातें थी, इसलिए मैं किया में नहीं गया। उनका कैरेंस मॉडल में भी यही प्रॉब्लम आ गया था कि कैरेंस में भी उन्होंने मैनुअल हटा के IMT डाल दिया था, तो IMT की वजह से नहीं गया, नहीं तो मैं सेल्टॉस में ही जाता। अब आते हैं, बहुत लोगों ने कहा कि भाई क्रेटा ले ली, ठीक है आपको पसंद थी, बट ये सेफ कार नहीं है। बात तो सही कह रहे हो यार, क्रेटा जो है ना वो सेफ्टी में एनकैप में 3 स्टार इसने स्कोर किया था, और मार्केट में बहुत अच्छी अच्छी 5 स्टार सेफ कार्स हैं। मेरी पहली पसंद जो थी ना वो हैरियर ही थी, कि अगर मैं ये नहीं लेता तो टाटा की हैरियर लेता। टाटा का सर्विस भी धीरे धीरे सुधर रहा है, लेकिन अगेन प्रॉब्लम था कि वो बजट के बाहर जा रहा था, और रनिंग कॉस्ट समझ रहे हैं कहाँ 22 का एवरेज, कहाँ 16 का एवरेज। डीजल में आप पर किलोमीटर देखेंगे ना तो 1 से 1.5 रुपये का फर्क पड़ जाएगा। 1 लाख किलोमीटर में कम से कम ये गाड़ी मुझे हैरियर के मुकाबले 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए बचा के देगी। प्लस हैरियर का इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा होता, प्लस उसकी सर्विसिंग में भी कॉस्ट ज़्यादा आता, तो मेंटेनेंस भाई बड़ी गाड़ी है तो महंगा होता। यही सब सोच करके फिर मैं हैरियर में नहीं गया। तो अगर ये सेफ्टी वाले बात पे आ जाए तो मैं एग्री करता हूँ कि ये टोटली सेफ कार नहीं है, 3 स्टार है। लेकिन बहुत लोग कहेंगे कि भाई सेफ्टी से बढ़ के क्या होगी, लेकिन आप बाकी पॉइंट्स भी तो गौर कीजिए। सिर्फ सेफ्टी सेफ्टी के चक्कर में अगर मैं चला जाता तो फिर मुझे बाकी के रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो पाती, तो कहीं ना कहीं मुझे सेफ्टी पे थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा। और ये कहीं ना कहीं मेरे पास्ट एक्सपीरियंस से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने बताया ना मैं 2007 से मैंने पहली कार ली थी, तो करीब 15 साल हो गए। 15 साल में मैं करीब 13-14 साल से रोड ट्रिप कर रहा हूँ, और इन 13-14 सालों में मुझे एक्सीडेंट हुए हैं, छोटे मोटे बहुत एक्सीडेंट हुए हैं। गाड़ियां मेरी भिड़ी हैं इधर उधर, दीवार में, कभी ट्रक में, कभी बस में, लेकिन कभी वैसा मतलब ड्राइविंग स्टाइल कह लीजिए, लक कह लीजिए, ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि मैं तो अर्टिगा और ऑल्टो में लेके घूमता था और I20 में, क्योंकि टोटली अनसेफ कार थी, क्योंकि उनमें कुछ भी नहीं था, एयरबैग तक नहीं था, उसमें भी मुझे ऐसा कुछ मतलब कभी प्रॉब्लम हुआ नहीं। बट अगेन कह नहीं सकते फ्यूचर में, बट ठीक है, 3 स्टार भी खराब नहीं है, चेचिस वगैरह इसका ठीक ठाक है, मतलब चलने लायक है, ठीक है। बाकी क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है, तो एक जगह मैंने मेरे को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। अब बहुत लोगों के क्वेश्चन थे कि ये ऑटो फोल्ड ORVM क्या होता है, बहुत लोगों को तो इसमें भी डाउट था। तो ये देखिए, गाड़ी लॉक करने पर ये ऑटो लॉक हो जाएगा, और ओपन करने पर ये ओपन करने पर ऑटो ओपन होगा। साथ में ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी है। अब इसका कॉस्ट मुझे पड़ा है 13,500, तो ये हो गया ऑटो फोल्ड का। फिर बहुत लोगों ने बोला कि भाई साहब आपने रूफ रेल मना किया था, तो ये है रूफ रेल। ये कौन सी कंपनी का है ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है गैलियो करके किसी कंपनी का है, 3,000 का कॉस्ट किया था, और ये इकलौता एसेसरीज है जो मैंने मिसेस के कहने पर लगवाया है। ये मिसेस की पसंद थी कि इससे गाड़ी की हाइट थोड़ी बढ़ जाएगी और बाहर से गाड़ी थोड़ी अच्छी दिखेगी। अदरवाइज मेरा तो मानना है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आदमी कार के अंदर रहता है, तो गाड़ी जो है ना अंदर से अच्छी होनी चाहिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए, साफ़ सुथरी होनी चाहिए, फीचर्स सारे अंदर होने चाहिए। बाहर से ज़्यादा मैं केयर नहीं करता कि गाड़ी कैसी दिखती है। अब किसी ने पूछा था कि इसमें रियर वाइपर इंस्टॉल हो सकता है क्या, यहाँ पे बिल्कुल होता है, लेकिन उसके लिए पूरा ग्लास चेंज होता और वो बहुत कॉस्टली पड़ता, तो इसलिए मैंने वो चीज़ चेंज नहीं करवाई। फिर कुछ लोगों ने सीट्स को लेकर के, सीट कवर्स को लेकर के पूछा था कि आपने ये कवर्स लगवा लिए, इसमें 6 एयरबैग्स हैं, तो ये कवर डिस्टर्ब तो नहीं करेंगे। देखिए भाई साहब, ये जो सीट कवर है स्पेशली क्रेटा के लिए कट के आता है, यहाँ देख रहे हैं आप, ये कटा हुआ है, तो ये इसलिए कटा हुआ है ताकि यहाँ जो एयरबैग है वो पॉप आउट हो जाए। किसी ने ये भी पूछा था कि सीट कवर लगाने से उन्होंने सीट को यहाँ पे ना हल्का हल्का कट किया था, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी। बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी जी, वो यहाँ पे हल्का सा उन्होंने स्टिचिंग हटाया था ताकि फिटिंग अच्छी आ जाए। एयरबैग्स इस साइड हैं, सेंसर वगैरह बिल्कुल इंटैक्ट लगे हुए हैं। मैं उधर से भी दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए दूसरी साइड से भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ एयरबैग के लिए ओपनिंग छोड़ी हुई है। कि लोगों ने हेडलाइट और फॉग लैंप के बारे में पूछा था, तो देखिए ये जो लाइट साइंस में प्रोजेक्टर आती हैं और इसके अंदर ओसराम का LED लगा हुआ है 25 वाट का, जो मेरी पुरानी क्रेटा में था उसमें से मैंने खोल के लगा लिया।
अब कहने को तो ये 25 वाट है ऑन पेपर, बट इसकी ब्राइटनेस जो है वो चाइनीज वाली एलईडी से बहुत अच्छी है। फॉग लैंप जो है, ये जो हमने लगाया है, इसके अंदर भी मैंने ये देखिए एलईडी बल्ब लगाया, अगर आप ध्यान से देख सके तो वो एलईडी बल्ब जो है 6500 का था, और जब ये दोनों साथ में ऑन होते हैं ना तो रोड पे ब्राइटनेस बहुत अच्छी आती है। अब ये जो फॉग लैंप्स लगी हैं ये ऑन कैसे होंगी? तो जो ऊपर की मॉडल्स आती हैं उनमें तो क्या होता है कि कंट्रोल स्विच अंदर में रहता है स्टीयरिंग के पास, बट ये चूंकि हमने बाहर से लगवाया है तो इसको किया क्या जाता है कि इसका एक वायर टैप अप कर दिया जाता है पार्किंग लाइट में। दैट मीन्स कि जब आप पार्किंग वाली लाइट ऑन करेंगे, मैं दिखाता हूँ एक मिनट, ये देखिए जब आप पार्किंग वाली लाइट ऑन करेंगे ऊपर वाली, तो उसके साथ साथ ये भी ऑन हो जाएंगी, और उसके बाद आप हेडलाइट ऑन करेंगे तो फिर हेडलाइट और फॉग लाइट दोनों चलेंगी। सिर्फ आप हेडलाइट नहीं आएगा, मतलब आप सोचेंगे सिर्फ हेडलाइट ऑन हो और फॉग लाइट ना हो तो ये ऑप्शन नहीं है, उसके लिए फिर तार काट कूट करना पड़ता या अंदर ले जाकर डैशबोर्ड के पास एक नया स्विच देना पड़ता, वो मैं करवाना नहीं चाहता था। तो ये काम जो है ना वो शोरूम में भी होता है, इससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या कर दिया भाई, ये फॉग लाइट लगा दिया, वारंटी चली जाएगी, कुछ नहीं होगा भाई साहब। शोरूम वाले खुद पैसा ले लेके ये कर रहे हैं और अच्छा खासा अमाउंट लेते हैं इस बात का। अब एक सज्जन का सवाल था कि कार में आपने वो फ्लोर लेमिनेशन नहीं कराया या मैट नहीं यूज़ कर रहे क्या? बिल्कुल यूज़ हो रहा है जी। ये देखिए 7D मैट्स है, ये मैंने ऑनलाइन जो है ना अमेजन से परचेज़ कर लिया था जब कार की डिलीवरी होने वाली थी तभी। और फ्लोरिंग मैंने नहीं कराई क्योंकि वो मुझे ज़रूरी नहीं लगा, इससे पहले भी 10-12 साल से मैंने कितनी गाड़ियाँ रखी हैं, फ्लोर इतना गंदा नहीं होता अगर आपका मैट सही रहे तो वो मुझे थोड़ा एक फालतू का खर्चा लग रहा था। ये देखिए ड्राइवर साइड वाली भी मैट जो है वो बहुत सही फिटिंग है, और यहाँ पर देखिए वो पेट्रोल टंकी खोलने के लिए भी ऑप्शन जो है ना वो एकदम सेट किया हुआ है, और ये एकदम स्लिप नहीं होती है। 7D मैट्स आपको इजीली जो है ना 3500 में मिल जाएंगी, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। अब देखिए बहुत लोग डैश कैम के बारे में पूछ रहे थे कि डैश कैम आपने लगाया कि नहीं लगाया, नया परचेज किया कि नहीं। तो डैश कैम मेरी पुरानी वाली ग्रे क्रेटा में ऑलरेडी लगा हुआ था, वही वाला मैंने ओपन कर लिया, उसमें से निकाल लिया, वायरिंग मैंने वहीं करा ली थी दिल्ली में, और इसको मैंने यहाँ पर खुद से इंस्टॉल कर दिया। देखिए डैश कैम यहाँ लगा हुआ है, रिकॉर्डिंग चल रही है इसकी, और इसका वायरिंग जो है वो अंदर अंदर इस तरफ से आता है। ये पहले वाले क्रेटा में मैंने खुद कर लिया था, पर चूंकि अब गया था दिल्ली तो उनसे ही करवा लिया मैंने, और ये अंदर में आ करके यहाँ पर वायर कनेक्टेड है, तो अलग से मुझे इसको पावर नहीं देना पड़ रहा है इस 12 वोल्ट के सॉकेट से, तो ये बहुत अच्छी तरीके से कनेक्टेड है, और ये गाड़ी ऑफ हो जाती है तब भी ये रिकॉर्डिंग करता रहता है। नाउ अब बात कर लेते हैं कि ये एसेसरीज मैंने लगवाई जहाँ पर, वहीं से क्यों लगवाई, क्लासिक कार्स जो है मानसरोवर में या रमेश नगर के आसपास। तो एक्चुअली क्या है कि करोल बाग में भी लगवा सकता था, और करोल बाग में जैसा कि बहुत लोगों ने कहा कि आपको कुछ एसेसरीज काफ़ी महंगी पड़ी, सस्ता मिल जाता, बट अगेन बात वही ट्रस्ट वाली आ जाती है। ग्रे वाली क्रेटा लेके मैं करोल बाग गया था 2020-21 में भी, एक तो वहाँ बहुत भीड़ भाड़ होती है, जल्दी पार्किंग नहीं मिलती अगर आप 11 बजे के बाद चले जाए, और वहाँ पर क्या ना कि वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते, बहुत सारी गाड़ियों का एक साथ काम करते हैं, तो उसमें मुझे उनका काम का फिनिशिंग वगैरह जो था ना उस पर थोड़ा डाउट था। और यहाँ जहाँ मैंने कराया, ये शैलेंद्र चौधरी करके एक कार ओनर हैं, इनसे फ़ोन पे बात कर लो, कभी भी कोई भी क्वेरी हो पूछ लो, कभी कुछ प्रॉब्लम आए तो इनसे फ़ोन पे भी आपको असिस्टेंस मिल जाएगी, ये सब प्लस पॉइंट है। और इनके क्या ना फिक्स रेट होते हैं, ये मोल भाव नहीं करते हैं, और एसेसरीज जो भी कीमत पे दें आप, 2-4 में ही मुझे लगता है कि महंगा पड़ा। जैसे ये जो है आपका क्या कहते हैं सनग्लास होल्डर, ये 5800 का MRP था। अब यही पार्ट, अब ये सनग्लास होल्डर मुझे ना ऑनलाइन बुडबूम पे भी मिल जा रहा था 5800 के आसपास, बट इसका जो वायरिंग होता है वो अलग से 800,000 का आ रहा था, फिर मुझे लगवाने के लिए कहीं जाना पड़ता। राजकोट में तो ये मिल भी नहीं रहा था ओरिजिनल, वो डुप्लीकेट ज़्यादातर दे रहे थे, तो 5800 में विथ वायरिंग मुझे उतना महंगा नहीं लगा। हाँ शायद करोल बाग में 4-4.5 हज़ार में हो जाता। बाकी जो आपके फॉग लैंप्स है इन्होंने मात्र 2500 में लगाए, जबकि क्रेटा के फॉग लैंप्स रांची वाले 7000 मांग रहे थे, एक नंबर के बेवकूफ़ लोग हैं। मैंने उनको बताया भी कि मैं ऑनलाइन खरीद के दे देता हूँ आपको हुंडई का, ये तो जेन्युइन फॉग लैंप है, 1034 रुपये इसकी कीमत है लेफ्ट और राइट वाले फॉग लैंप की एक पीस की, और ये 500-700 की वायरिंग हो गई, कुछ लेबर ले लो, 3000 में काम खत्म करो। तो नहीं, इतने में नहीं आता है। राजकोट में भी मैंने गाड़ी खरीदते समय पूछा था कि अगर मैं यहाँ ले आऊँ
तो राजकोट में भी एसेसरीज मुझे बहुत महंगी पड़ रही थी। ये फॉगलेम का 5,000-6,000 मांग रहे थे, क्रूज कंट्रोल मेरा जो इतने सस्ते में लगा 3,500-4,000 में, क्रूज कंट्रोल का ये 7,000-8,000 राजकोट में मांग रहे थे। तो राजकोट मुझे कॉस्टली लग रहा था, इसीलिए मैं दिल्ली जो है ना वो प्रेफर किया उसी शॉप को। तो दो चार चीज़ों में ठीक है चलता है, एक आदमी थोड़ा ज़्यादा ले लिया है, लेकिन अगेन है दिल का सुकून, मुझे उन पर भरोसा है और उनका दिया हुआ कोई भी चीज़ जो है ना मैल फंक्शन जनरली नहीं करता है, और करता है तो फ़ोन पे उनसे पूछ लो बता भी देते हैं। दूसरा क्या है कि एक पूछा था लोगों ने कि ये सब एसेसरीज आपने लगवा ली, इसमें से कुछ तो जेन्युइन है कुछ आफ्टर मार्केट है जो भी है, तो अब क्या होगा, कुछ खराब हो गया तो क्या करोगे भाई साहब? तो देखो भाई साहब, जो भी इस तरह के टेक्निकल एसेसरीज हो, जैसे कि क्रूज कंट्रोल हुआ, जैसे कि ये क्रूज कंट्रोल हुआ, स्टीयरिंग कंट्रोल हुआ, ये जो मैंने ORVM लगाया है जो अंदर से कंट्रोल होता है, अगर इसमें कुछ गड़बड़ हुआ तो फोन पे सपोर्ट मिल जाएगा एक तो वहां से। दूसरा, ये सब हुंडई के जेन्युइन पार्ट है, इसको आप क्यों नहीं समझ रहे, ये हुंडई की जेन्युइन पार्ट है, हुंडई खुद सेल करती है। तो जब आपका खराब हो गया या मान लीजिए एक्सीडेंट में डोर डैमेज हो गया, ये सब चेंज होगा तो ये खुद चेंज कर देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब पैसे वाली बात है। हुंडई के वर्कशॉप में ये सारी चीजें बनती है पेमेंट दे करके आराम से, और खुद बनाते हैं। अब बोलोगे आपको बड़ा पता है, कैसे पता है भाई, मेरी ग्रे वाली क्रेटा का राइट साइड में एक बार एक्सीडेंट हो गया था और उसमें ये जो मिरर है ना, ये जो ORVM ये पूरा टूट गया था और ये पूरा डोर ही चेंज हुआ था। अब खुद सोचिए, वो मेरी क्रेटा बेस मॉडल थी और उसमें टॉप मॉडल के रियर व्यू मिरर्स लगे थे, चाहते तो वो मना कर सकते थे कि भाई आपके तो बेस मॉडल में वो लगेगा नॉर्मल वाला मिरर, लेकिन नहीं, उन्होंने पूरा गेट रिप्लेस किया और मिरर भी मुझे दिया है टॉप S6 मॉडल का और सब कुछ ओरिजिनल वाला दिया, ऑफकोर्स इंश्योरेंस में क्लेम था। जैसे ही आपकी गाड़ी में पार्ट्स लगे हुए हैं, अगर वो हुंडई के जेन्युइन पार्ट्स हैं तो हुंडई वाले वही लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। क्रूज कंट्रोल वगैरह फेल हो जाएगा तो आप क्या करोगे भाई, अरे नया लगवा लेंगे भाई, क्यों डर रहे हो, ये हुंडई में मिलता है, नहीं मिलता है बुडमो से खरीद लेंगे, बुडमो से खरीद करके किसी भी लोकल मैकेनिक के पास चले जाओ जो क्रूज कंट्रोल लगाते हैं, वो 2-500 लेके लगा देगा फिर से, तो इसमें डरने वाली बात नहीं। अगर आप इतना डरते रहेंगे तो आप एसेसरीज फिर इस तरह की मत लगवाइए। फिर आते हैं कि वारंटी का क्या होगा। देखिए भाई, ये वारंटी का ऐसा है, टेक्निकल टर्म में समझा जाए तो जब तक आपका जो पार्ट फेल हुआ है जिसे आप वारंटी में क्लेम करने की सोच रहे हैं वो आपकी किसी एसेसरीज के डायरेक्ट अफेक्ट से हुआ है तब तो बात आएगी, लेकिन ऐसे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता वारंटी पे। एक कॉमन लैंग्वेज में चलता है कि वायर्स कट हो गई तो वारंटी चली जाएगी, तो भैया वायर मत कट करवाओ ना, कोई भी वायर मेरी कट नहीं हुई है, वायर में टैपिंग होती है, टैपिंग मतलब कहीं से करंट लेना है तो वहां टैप कर दिया जाता है, उसके लिए अलग से आता है सिस्टम, ठीक है। तो बोलोगे कि सर टैपिंग भी कर दिए तो भी तो वो बात वही हुई, अरे नहीं हुई भाई, हुंडई के शोरूम में लोग यही सब कर रहे हैं और बहुत महंगे कर रहे हैं और डरा के कर रहे हैं कि अंदर करवाओ शोरूम में, नहीं बाहर करवाओगे तो वारंटी चली जाएगी, कुछ नहीं जाती है। मेरी ग्रे वाली क्रेटा में थर्ड ईयर के खत्म होने से पहले उसका जो मास एयर फ्लो सेंसर होता है टर्बो में जो एयर फ्लो डिटेक्ट करता है वो खराब हो गया। अब वो चीज ना वारंटी में मिलती है, मैंने टेक्नीशियन से पूछा और मैंने जाके क्लेम किया, मेरी उस क्रेटा में, ग्रे क्रेटा जो मैंने मेरी पुरानी वाली है जिसको आपने रोड ट्रिप्स में देखा होगा, वो हैवीली मॉडिफाइड, उसमें HID लगा, उसमें तो तार वार भी मैंने कटवा लिए थे HID लगवाने के चक्कर में, उसमें फॉग लैंप लगा था, ऑटो फोल्डिंग ORVM लगा था, क्रूज कंट्रोल लगा था, उन्होंने चूं तक नहीं बोला भाई जो पार्ट फेल हुआ है उनका इन सब चीजों से लेना देना ही नहीं है। तो वारंटी में क्लेम में गया और 10 दिन में सामान आया, रिप्लेस होके मिल गया हंसते खेलते मुझे। हुंडई वालों का, अब आप में कहेंगे कि आप बहुत बड़ाई करते हैं, हुंडई वाले इन सब चीजों में मतलब इतने नखरे नहीं दिखाते हैं, इसीलिए तो मैं हुंडई की कार भी प्रेफर करता हूँ। वारंटी वगैरह का क्लेम हो और जेन्युइन क्लेम है जिसमें आपके कोई फॉल्ट नहीं है, वो इजीली देते, वो बहानाबाजी नहीं करते कि आपने फॉग लाइट लगा लिया, ORVM लगा लिया, हम नहीं देंगे, ये सब नहीं होता है, तो दे देते हैं। मतलब मेरा पुराना एक्सपीरियंस तो अच्छा ही रहा है। कुछ लोगों ने वो क्लासिक कार्स का वो एड्रेस और मेनली कॉन्टेक्ट नंबर मांगा था जो मैंने पिछले वीडियो में नहीं दिया था, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका एड्रेस और नंबर दे दूंगा। इसे आप उस शॉप का एक तरीके से प्रमोशन ना समझे, मुझे कोई वो लोग पैसे वैसे नहीं देते हैं, उल्टा आपने प्राइस देख ही लिया, कुछ लोग कह भी रहे हैं कि महंगा दिया है, लेकिन काम अच्छा होता है उनके यहाँ और जेन्युइन होता है। बहुत लोगों ने पूछा था और गाड़ियों का काम होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है जी, मैंने अपने आंखों के सामने क्रेटा के अलावा उनको विटारा और बाकी गाड़ियों का, 2-3 गाड़ियों का काम करते हुए देखा, उनकी भी एसेसरीज रखते हैं, बट वो क्या है ना कि हुंडई की कार में एक्सपर्ट है,
हुंडई का कोई भी कार हो, i10, i20, क्रेटा वगैरह, क्रेटा के तो किंग कहे जाते हैं वो लोग। मतलब क्रेटा का हर एक पार्ट, जेन्युइन पार्ट, ओरिजिनल हुंडई का उनके पास हमेशा अवेलेबल रहता है। तो वहाँ आप भी जा सकते हैं अगर आपको दिल्ली के आसपास हैं या दिल्ली में है तो। तो जी कुल मिलाकर इस ब्लॉग में यही सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी। आप समझ गए होंगे कि क्रेटा मेरी बेसिक ज़रूरतों को पूरा कर रही थी, बजट में भी थी, टॉप मॉडल में इसीलिए मैं नहीं गया क्योंकि वो बजट से बाहर हो जाता, 3-4-5 लाख एक्स्ट्रा दो और जो फीचर उसमें आते हैं ज़रूरत के वो मैंने बाहर से लगवा लिए। सेफ्टी वाला एक्सपेक्ट एक थोड़ा सा है, उसको मैं मानता हूँ, उसके अलावा ये गाड़ी में कोई कमी नहीं है। और ये तो अभी हमारी शुरुआत है, अभी देखिएगा 1 लाख किलोमीटर तक में जब भी सर्विस वगैरह होगी या और भी कुछ मेजर प्रॉब्लम आए तो मैं सब डिस्कस करूँगा आपके साथ। और आप अगर मेरे चैनल के साथ बने रहेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये गाड़ी उतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है। अच्छा, अभी फर्स्ट सर्विस हाल में हुई है गाड़ी की, सारी मॉडिफिकेशन करवाने के बाद राजकोट में हुई है। और फिर उन्होंने मुझे एक्सटेंडेड वारंटी भी ऑफर की कि थर्ड ईयर तक तो हुंडई की वारंटी है, आप चाहो तो फोर्थ और फिफ्थ ईयर की एक्स्ट्रा वारंटी ले लो और गाड़ी सेफ हो जाएगी। एक्सटेंडेड वारंटी वो सेल करने को मुझे तैयार है भाई। तो इसका मतलब आप समझो ना, आपकी बेसिक वारंटी कहीं नहीं गई है। जब वो फोर्थ और फिफ्थ ईयर में वारंटी देने को तैयार है तो आप डर क्यों रहे हो थर्ड ईयर तक, कुछ नहीं होने वाला। तो ये ब्लॉग कहीं बहुत लंबा हो रहा है तो इस ब्लॉग को मैं अब यहीं रैप अप करता हूँ। आई होप आपके मोस्ट ऑफ द क्वेरीज सॉल्व हो गई होंगी। अगर अभी भी कुछ क्वेरीज रह जाती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आई विल ट्राई टू आंसर देम। बाकी क्लासिक कार्स का कॉन्टेक्ट मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको देख लेना। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, नमस्कार।